राजधानी से सटे अनगड़ा ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा, झारखंड को सभी राजनीतिक दल, पक्ष में हो या विपक्ष, सभी ने लूटने का काम किया है। सबसे ज़्यादा लूट प्रखंड और अंचल कार्यालय में होता है। हम लोग अगर जीत के आते हैं तो जनता दरबार लगा के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। पर्दे के पीछे नेता आउटसोर्सिंग कंपनी चला रहे हैं। 99% ठेकेदार और एजेंसी के संचालक बाहरी लोग हैं और यहाँ से अरबों रुपया का लूट हो रहा है। उन्होंने सरकार की मैया योजना के बारे में कहा, अगर सरकार को महिलाओं दीदियों की इतनी चिंता होती तो यह योजना पहले क्यों नहीं लाई गई, ठीक चुनाव से पहले क्यों। जेएमएम कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा आसू की सरकार, सबको अपना अपना परिवार की चिंता रहती है। झारखंड के अनगड़ा में ही आदिवासी का जमीन कौड़ी के भाव गैर आदिवासी अधिकारी के लोग खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासी कहते हैं तो इस लूट का हिसाब लीजिए। वो एजेंसी ठेका लेती है और एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं। आपका ध्यान वहां है नहीं। अरे जिस दिन झारखंड में ये नियम बनेगा कि जमींदाता को मालिकियत का अधिकार मिलेगा, कोयला के खदानों में, उद्योग में, तमाम जमींदाताओं को जिस दिन झारखंड में व्यवस्था होगी कि आपको मालिकाना हक मिलेगा, अरे बीडीओ सीओ और दरोगा की नौकरी आपको मामूली लगेगी। हम लोग एक बड़ा विजन के साथ राज्य में आए हैं। चलिए ठीक है, हम बीडीओ की सैलरी क्या है, चलिए गुना भाग करते हैं। क्या सैलरी है बीडीओ की? 50,000। 50,000 12×5 यानी 6,00,000 सालाना। 6,00,000 ना सालाना, 6,00,000। एक वीडियो कितना दिन नौकरी करेगा? 30 साल। एक साल में 6,00,000, 30 साल को गुना कीजिए, 1,80,00,000। कितना? 1,80,00,000। आप केवल अपनी पत्नी को देखिएगा, ये आदिवासी परिवार में हजारों बहुएं, हजारों बेटियां हैं, उनको देखिएगा। यह ध्रुव पंचायत है बगल में, ये है ना, ये ध्रुव पंचायत है। यहाँ आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी कोड़ी का भाव में यहाँ जमीन खरीद के घर बनाया है। मुख्यमंत्री अगर आदिवासी हितैषी हैं तो सीएनटी का जमीन कैसे लिए, इसका हिसाब दीजिए। इसलिए इस बार किसी प्रकार के धोखा में नया ना हो। 2 महीना बाद पुनः चुनाव होगा और चुनाव में और हमारे कहते हैं